वहीं देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 72,049 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 986 मौतें यहां पर कोरोना संक्रमण से हुई है। 24 घंटे में कोरोना से 81,945 लोग ठीक हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि पिछले दो हफ्ते में कोरोना के एक्टिव मामलों में लगातार कमी आई है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 67 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 72,049 नए मरीज मिले, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 67,57,132 हो गई है। वहीं 24 घंटों में 986 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के चलते अब तक 1,04,555 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राहत की बात यह है कि कोरोना से अब तक 57,44,694 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में 81,945 लोग ठीक होकर अपने घर गए। अभी 9,07,883 मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना से अब तक 48% मरीजों की मौत 8 राज्यों के 25 जिलों में हुई है। इनमें भी 15 जिले महाराष्ट्र के हैं, 2 कर्नाटक, 2 पश्चिम बंगाल, 2 गुजरात और 1-1 जिले पंजाब और उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के हैं। तो केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को डेथ रेट 1% से कम करने की कोशिश करने को कहा है। वहीं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु समेत 10 राज्य ऐसे हैं जहां कुल एक्टिव केसेस का 77% हिस्सा है। इनमें भी 3 राज्य ऐसे हैं जहां 50% एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस पिछले 2 हफ्ते में लगातार कम हो रहे हैं। तो हालांकि कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं ठीक होने का जो रेट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।